शाहिद जी, कोरोना पर ट्विटर पर सब बहुत सावधान हैं और रैली में जान झोंके दे रहे हैं कि लाख से कम आदमी नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के जरूरत हो तो कंधे पर चढ़ जाए एक दूसरे के, और मास्क दूर दूर तक ना लगाए कतई, ताकि नारा लगाने में कोई असुविधा ना हो, नहीं? और रात शाम को जब कहीं आप लोग बैठो तो फिर एक ट्वीट कर दो कि नहीं कोरोना से सावधान, और हम सब लोगों को जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है। नाइलारी जी, अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बातें सुन रही थी, हालांकि बीच में कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ज्यादा नहीं सुन पाए, लेकिन मुझे मालूम है कि आप हमेशा से जनमानस के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है और जनमानस के मुद्दों को आप उठाते हैं, इसके लिए मैं आपको सलाम भी करती हूँ। अब जो आप बात करें कोरोना की, देखिए समाजवादी पार्टी तो हमेशा से प्रयास करती है कि बीमारियों, भ्रष्टाचार और झूठ से दूर रहना है, जबकि ये तीनों चीजें बीजेपी का खाना पीना और तकिया है। आप देखिए कोरोना बीमारी कैसे फैली थी, नहीं देखो इतिहास नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, वो भी रैली कर रहे, आप भी रैली कर रहे, वो भी रेला कर रहे, आप भी रेला कर रहे, वो बांगरमऊ में कर रहे, तो आप मल्लावा में कर रहे, इतना ना फर्क है, आदमी तो उत्तर प्रदेश का ही है, आप लोग भी ताकत झोंके पड़े हो कि भाई जिसको टिकट चाहिए वो पहले भैया की उसमें 200 बस लेके आए, 99 आई बस है तो टिकट नहीं मिलेगी, करस तो सब वो ही रहे हो भाई, तुम क्यों नहीं मान रहे? नहीं, माननीय अग्निहोत्री जी, एक तो बात ये है कि टिकट के लिए हमारे यहाँ भीड़ नहीं आ रही, जनमानस की भीड़ है लाखों लाख की, ये टिकट की प्रायोजन। अरे तो मतलब लाखों लाख आदमी काहे को जुटा रहे हो कोरोना में, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ भाई, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार को फैसला लेना चाहिए, ये ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम बैठ जाए घर पर और सरकार जो है मैदानी जंग में जंग खेले, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जो मुखिया ही जो करते हैं, एक घर है उसमें जो मुखिया करते हैं तो बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं, और जब मुखिया को कोई मतलब नहीं, आप देखिए अभी कल ही तो देखिए ना, सरकारी कार्यक्रम हुआ मोदी जी का, वहां भी झूठ बोला और 24 घंटे के अंदर उनका जो झूठ बोला भ्रष्टाचार के इत्र का, 24 घंटे के अंदर जो है डीजीजीआई के अधिकारियों ने मैं उस पे बनने जाऊंगा, वो जो भ्रष्टाचार आज उन सब नहीं, ना ना आज उन सब, आज मूल बात पर रहेंगे, आपने अपनी जिम्मेदारी, ठीक है, आगे आगे बाकी बहस में ले आऊं, आपने अपनी जिम्मेदारी मूल रूप से ये कह के टाली कि जब भाई जिठानी जो कर रही वो ही देवरानी करेगी, मैं समझ गया, मूल बात इतनी है, बाकी ज्यादा बहस की जरूरत नहीं, जिठानी जिज्जी कर रही तो हम करी है, ठीक, अच्छी बात है। सुचि विश्वास, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 जितनी जुटे उतनी तो जुटाई लो, बाद में कोरोना होगा देखेंगे, नहीं जब कोरोना हो जाए तो फिर ऑक्सीजन के लिए हाय हाय मचाओ सब मिलके, ठीक कि हाँ ये बताइए ऐसी अवस्था फैल गई, और उससे पहले जो अचैन से घर में बैठा उसे बैठा मत रहने दो, कार्यकर्ता भेज के, रिक्शा भेज के, तांगा भेज के, गाड़ी भेज के उसको बुलवाओ कि भाई तू कोरोना से अछूता क्यों रहना चाहता है, ये जो राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा है कोरोना मुफ्त पाओ, इसमें क्यों नहीं भागीदारी कर रहा आदमी, इसलिए नहीं। सुचि जी, देखिए जब सरकार को टैबलेट का प्रोग्राम करना है तो अगल बगल के जिलों से पकड़ के बसों में भर के पीडब्ल्यूडी से चंदा लेके धन उगाही करके रोडवेज की बसेस से, लेकिन वही अगर विपक्ष के नेता अपनी बात रखना चाहते हैं तब तो फिर ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है। ये वो सरकार है जिसने शमशान घाट में टोकन बांटे और रेलिंग कवर करवाई गई कि जलती हुई लाशों को लोग देख ना सके, धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं और राम नामी खराब काम कर रहे हैं। आप तो अच्छा, ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आप तो अच्छा उदाहरण पेश कर सकती थी, कांग्रेस नहीं, जो बात नाहिद ने कही वही आपने कही कि जिठानी नाचेगी तो हम भी नाचेंगे, वही बात है ना, सरकार बोले भाजपा करेगी तो हम भी करेंगे, भाई अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होती है, क्या विपक्ष के लिए धारा 144 है और कोविड के प्रोटोकॉल है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी, सुचि जी कौन प्रोटोकॉल मान रहा है बताओ, छुट भैया नेता प्रोटोकॉल और 44 नहीं मान रहा। अभी परसों मैंने एक ट्वीट किया था कि जिले के जो अधिकारी है उनसे कहा था भाई कुछ तो शर्म कर लो, ये 144 लगाना बंद करो यार, कितनी बेइज्जती कराओगे अपनी और 144 की, कोई मान रहा ना, कांग्रेस ही मान रहा, ना सपाई, ना बसपाई, ना भाजपाई, कोई मान रहा है 144? तो ये सरकार के अनुपालन की भी आप भी तो नहीं मान रही ना, आपकी पार्टी भी नहीं मान रही, सिर्फ सरकार ही करेगी, नहीं व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं मान रहे? आप हमारे कल के मैराथन के फोटो देखिए,
हजारों बच्चे दिखेंगे और उसके साथ सबके साथ मास्क, और हमने तो खुद अवेलेबल थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने सैनिटाइजर का वितरण किया, और आप उसके वीडियोस देखिए लगातार पिंक मास्क में। अब सरकार के सामने अपनी भाई बात भी न रखी जाए, मतलब गुड़ छुओ तो पाप, तिल छुओ तो पाप, अपने विषय को लेकर भी सरकार तो चाहती ही यही है कि जब उसका बस चले तो वो लाशों के बाहर टेंट लगाए, और जब वो चाहे तो अपनी बात को लेकर जनता के बीच जाए। उनके पास तो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, विपक्ष के पास क्या है? अच्छा इसलिए ठीक है, ठीक मैं समझ गया, सुशील विश्वास मैं समझ गया। आज मैं इसीलिए लेके आया था, भाजपा के प्रवक्ता थोड़ा देर से जुड़ेंगे, लेकिन मैं जानता था सबकी टोन क्या होगी, मुझे सबके जवाब भी पता थे, शब्दों का अंतर होगा, मुझे जवाब सपा बसपा कांग्रेस सबका पता था, भाजपा का भी। मुश्किल ये है, मैं शालिनी जी के पास चलूं उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करूंगा, मुश्किल ये है कि जो सियासत है ना, इसका दुपट्टा किसी के आंसू से कभी भीगता नहीं, किसी पार्टी की सियासत हो। एक मरे, सौ मरे, हजार मरे, क्या है, मरे वो भी एक अवसर है, शोक व्यक्त करने जाएंगे वो भी एक अवसर है, काला चश्मा लगा के और वहां भी बाइट देंगे, वहां भी बाइट देंगे। तो भाई राजनीति तो विचित्र किंतु सत्य है। शालिनी श्रीवास्तव जी, सरकार ने फाइल में पूरा कोरोना प्रोटोकॉल कल रात लागू कर दिया, गवर्नर के साइन हो गए, बोले भाई 31 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्य माना जाएगा, ठीक, यानी इसमें सब नियम कायदे लागू हो गए, लेकिन कल भी रैली, आज भी रैली और आगे भी रैली होंगी, और हर दिन पार्टियों की कोशिश है कि हर रैली में पिछली रैली से 10-20 हजार ज्यादा आदमी जुटे, ताकि हम मैदान भरा हुआ दिखा सकें और मीडिया को उनके व्हाट्सएप पर 100-200 फोटो ठेल सकें कि भाई देखो मेरे पार्टी कितनी लोकप्रिय है। शालिनी जी, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, पहले तो आपको सादर प्रणाम जी। नाहिद जी और शुचि जी जो कह रही है वो पार्टी से संबंधित बातें कर रही हैं, लोकल लोगों का या आम जनता का उनको कोई ख्याल नहीं है, कोई भी पार्टी हो आजकल आप देखिए, कोई भी अखिलेश जी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई भी धड़ल्ले से रैली कर रहे हैं, और उसके बाद जब आम जनता की बारी आएगी, आम जनता जब मरेगी या बीमार होगी तो उसके बाद ये लोग कहीं नहीं नजर आएंगे। कितने मजदूर गए, कितने को क्या हुआ, कितने नेता चले गए मेहनत करने के लिए, हम सब लोग गए, उनको मदद करी, जो भी हो सका समाज सेवियों से ने किया, उनका कहीं नाम नहीं है। खैर कोई बात नहीं, नाम की किसी को समाज सेवी को जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये लोग जो अभी भीड़ जुटा रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इसके बाद का जो वो होगा बीमारी फैलेगी तो ये लोग कहीं नजर आएंगे या इसकी रिस्पॉन्स भी लेंगे? नाहिद जी बताएं, सुचित जी बताएं, और सब लोग, सब वो लोग बताएं जिन्होंने इस तरह का आयोजन करी, क्या मैराथन हुई, क्या जरूरत थी मैराथन करने की? बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, अपने घर में लड़ाई है, उनको अच्छी बातें बताइए, आप नेट से भी ऐसे ही वो कर सकते हैं, ये इस तरह की मैराथन की जरूरत क्या थी इस तरह के माहौल में?